आप लोगों ने जो है रेस्टोरेंट में चिकन चाउमीन जो है ट्राई किया होगा, बिल्कुल उसी स्टाइल में आप लोगों को आज जो है चिकन चाउमीन की रेसिपी देने वाली हूँ। इंतहाई सस्ती बन जाती है घर में और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है। जब भी आपका दिल चाहे ना रेस्टोरेंट में जाके चिकन चाउमीन खाने का, आप घर पर ईजिली इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं आसान और मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। मेरे चैनल पर आपको वही रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि बजट फ्रेंडली हों और टाइम टेकिंग भी ना हो, तो आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करें जो कि ज़्यादा आपकी जेब पर भारी ना हो। तो यहाँ पे जो है मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है जो कि मैंने स्ट्रिप्स में इस तरह से कटिंग किया हुआ था। इसके बाद हमने सबसे पहले इसको मैरिनेशन का काम करना है। तो एक टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, अब एक अदद एग था और उसकी सिर्फ सफ़ेदी मैंने इसमें डालनी है, और साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर डाल दिया, कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्नस्टार्च जो भी आप जो है डालना चाहें। अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर मैंने एक खुले मुँह की कढ़ाई ली है और उसमें पानी भी जो है मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने जो है स्पेगेटी डालनी है, आप जो है वो जो भी लेना चाहें, एग नूडल्स लेना चाहें, वेजिटेबल्स शिमला मिर्च ली थी, गाजर, बंद गोभी, इनको भी हमने कटिंग कर लेना है। तो आपने यहाँ पे जो है ना स्पेगेटी को इस तरह से तोड़ के नहीं डालना है, इस तरह साबुत ही डालना है, तो इसकी लुक जो है ना वो ख़राब हो जाएगी अगर आप इसको तोड़ के डालेंगे। जू जू ये नरम होती जाएगी तो ये खुद ही जो है ना पानी के अंदर जाती जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो सिरका भी डाल दिया था मीडियम फ्लेम पर। आपने इसको 7 से 8 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है। वेजिटेबल्स यहाँ पर कट हो चुकी हैं, देख लीजिए लंबाई में मैंने जो है वो कट की है यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च। तो ये देखिए यहाँ पर स्पेगेटी जो है वो अच्छे से जो है नरम हो चुकी है, 7 से 8 मिनट हो गए थे इसको बॉईल होते हुए। अब हमने इसको जो है वो छन्नी में निकाल लेना है और आपने 1 से 2 कप इस पर ठंडा पानी ज़रूर डालना है। और उसके बाद मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल इस तरह से डाला था और अच्छे से तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से स्पेगेटी जो है ना आपस में जुड़ेगी नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि आपकी कुकिंग को जो है ना मज़ीद आसान बनाती हैं, तो आप उसको फॉलो किया कीजिए। यहाँ पर चिकन को मैरिनेट होते हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे ऑयल में, मैंने इसको डीप फ्राइंग के लिए डाल दिया था। तो हमने इसको अच्छे से जो है ना कलर देना है, डीप फ्राई कर लेना है कि चिकन अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है वो 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ले लिया है और इसमें जो है ना थोड़ा सा लहसुन मैंने जो है क्रश करके डाल दिया था। हल्का सा इसको हमने सौते करना है लहसुन को, इसके बाद हमने इसमें बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करनी है। दरमियाने साइज़ का यहाँ पर प्याज लिया था और स्लाइस में कटिंग करके डाल दिया है। प्याज को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना है, जस्ट इसको हमने सॉफ्ट करना है, इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, इसके साथ ही दूसरी वेजिटेबल्स भी हमने डाल देनी है, गाजर और बंद को भी यहाँ पे मैंने डाल दी थी। 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर जो है ना हमने वेजिटेबल्स को सौते करना है। वेजिटेबल्स को आपने बिल्कुल जो है वो नरम नहीं करना, क्रंची सी रहनी चाहिए। अब इसके साथ ही मैंने इसमें जो है ना थोड़ी देर बाद इसमें शिमला मिर्च डाल दिया है और शिमला मिर्च डाल के भी हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेना है। तो देखिए अभी से कितने कलरफुल से लग रही है ना ये, और ऐसे आप बच्चों को भी बना के दीजिए, वेजिटेबल्स भी ऐसे शौक से खा लेते हैं। अब हमने इसमें शिमला मिर्च डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए इसको सौते कर लेना था। इसके साथ ही मैंने जो है वो चिकन यहाँ पे रखी थी वो भी अच्छे से जो है फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें सॉसेस वगैरह डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल दिया मैंने 1 से 2 टेबल स्पून इसमें, और साथ ही मैंने इसमें जो है ना टमाटो सॉस भी डाला है 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास जो है ना ऑयस्टर सॉस है ना तो आप जो है वो सोया सॉस कम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ऑयस्टर सॉस नहीं यूज़ कर रही, जिनके पास है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैंने केचप डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने ना चिली पेस्ट भी इसमें डाला था 2 से 3 टेबल स्पून। तीनों चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है इसको, और उसके बाद मैंने आधा कप के बराबर जो है ना पानी डाल देना है। थोड़ा सा पानी में उबाल आएगा उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। यहाँ पे जो है अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया था तो मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर दिया था और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे जो है वो बच्चों के लिए भी बनाना था तो मैंने इसमें जो है ना सफ़ेद मिर्च नहीं डाली है, वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो आपने अगर इसको स्पाइसी और मज़ीद करना है ना, 1/2 टीस्पून आप जो है वो सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
अच्छे से जो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये ठीक सा होना स्टार्ट हो गया है, तो इसके साथ ही हमने जो स्पेगेटी बॉईल की थी वो भी इसमें डाल देनी है। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है और इतनी टेस्टी बनती है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे जो है स्पेगेटी डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से टॉस कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको जो है इस तरह से मिक्स करना है, और उसके बाद मैंने जो चिकन फ्राई किया था वो भी हमने इसके ऊपर डाल देना है। तो ये देखिए ये चिकन भी हमने इसके ऊपर डाल देना है, और चिकन डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा फिर से हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितना लजीज सा चिकन चाउमीन जो है वो रेडी हो चुका है, आप लोगों के सामने बनाया है। बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं है, और आप लोग जो रेस्टोरेंट में जाके इतना महंगा खाते हैं ना, घर में इसको जो है इंतहाई सस्ते उसके साथ जो है बना सकते हैं चीज़ों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार वीडियोज़ जो है वो बनाती रहूँगी। उसके लिए शर्त यह है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी जो है वो आपको मिल सके। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।